सेंटर में भी कांग्रेस का राज होगा और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। ने दावा किया भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, सीएम खट्टर दावा कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा तो जल्दी है जेल में जाने वाले हैं। देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार व सोनीपत से मेयर निखिल मदान व अन्य कांग्रेस नेता मौजूद है, तो हम उनसे जानते विधायक आपका जो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है या और भी कांग्रेस के प्रोग्राम हो कुछ भीड़ बढ़ती है कांग्रेस के प्रोग्राम में भीड़ बढ़ती जा रही है, कैसे क्यों किस लिए? आपने देखा होगा कि जो सोनीपत विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो हमने 20 वार्ड आज पूरे किए हैं। आज समापन था, 20 नंबर वार्ड से लेकर 1 नंबर वार्ड तक हमने किए। हर वार्ड में हमें इतना सहयोग मिला कि एक हम छोटी जनसभा करना चाहते थे और उस जनसभा भी रैली के रूप में जो है खत्म हुई। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में हजूम लोग जो है हर वार्ड में पहुंचे और जो हमने यात्रा की पैदल यात्रा जो की है इसमें भी हजारों की संख्या में लोग जो है साथ चले हैं किलोमीटर कई कई किलोमीटर तक, तो बहुत ही ये सफल आयोजन रहा और आज हमारा ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज का ही समापन था। पवार साहब, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की बात करी जाए, कुछ सोनीपत से ज़्यादा ही प्यार प्रेम है लगाव है। अभी वह 1 तारीख को गुहाड़ हार्बर हल्के में थे, सोनीपत में फिर 14 तारीख को आ रहे हैं। देखिए 14 तारीख को जो है वो जय भारत सत्याग्रह संविधान बचाओ रैली के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है और उस दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है जिसको कांग्रेस पार्टी बड़ी धूमधाम से सोनीपत में मनाने जा रही है। अभी आप एक दावा कर रहे थे आने वाली सरकार कांग्रेस की है, आने वाला मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा है, कैसे? देखिए आज बीजेपी के इजराज से लोग दुखी हो चुके हैं, 8.5 साल 9 साल राज को हो गया हरियाणा में भी और देश में भी। मैं तो सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, भारत में भी, मतलब बीजेपी को जो आज ये जितनी सीटें झूठ बोल कर ले गए थे इनसे 25% सीटें भी आने वाली नहीं हैं और सेंटर में भी कांग्रेस का राज होगा और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। आज बीजेपी से लोग बीजेपी की नीतियों को भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये झूठे लोग हैं और इनकी जो जनविरोधी नीतियां हैं उसे तंग आ चुके हैं। आपने दावा किया भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, सीएम खट्टर दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा तो जल्दी है जेल में जाने वाले हैं। देखिए ये बीजेपी वालों को के पास जुमले हैं, वो आपने भी देखा होगा, खुद ही इनके नेता मानते हैं कि हम जुमले की हमारी सरकार है और हम जुमले गा के ही लोगों को बहकाते हैं, ये तो खुद मानना ही है।